नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। देश कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मरीजों के बीच ऑक्सीजन का संकट तो झेल ही रहे हैं। इस बीच सरकार के मंत्रियों के संवेदनहीन बयान भी लोगों को दर्द बढ़ा रहे हैं। ऐसा ही कुछ कर्नाटक में देखने को मिला, जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने ऑक्सीजन को लेकर सवाल कर रहे एक युवक को दो थप्पड़ मारने की बात कह डाली। गौरतलब है कि एमपी महाराष्ट्र ही नहीं, यूपी और दिल्ली में भी कोरोना के मरीज ऑक्सीजन का भारी संकट झेल रहे हैं। मरीज के तीमारदार ऑक्सीजन प्लांट के बाहर 24 से 48 घंटे का लाइन लगाकर खड़े हैं, ताकि उन्हें अपनों को बचाने के लिए ऑक्सीजन मिल जाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कोरोना संक्रमित मरीज के एक तीमारदार द्वारा ऑक्सीजन की कमी को लेकर की जा रही शिकायत पर कैमरे के सामने सब कहा। मंत्री के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा, केंद्रीय मंत्री ने डॉक्टर और नर्सों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे शख्स को रोकने का प्रयास किया था। ऑनलाइन वायरल हुए वीडियो में युवक कह रहा था, ये सब हमें बेवकूफ बना रहे हैं, 36 घंटे हो गए, हम बेचैन हैं, ये कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि ऑक्सीजन नहीं है। शिकायत पर नाराज मंत्री ने कहा, ऐसे बोलेगा तो अभी दो खाएगा। ऐसा बोलेगा तो दो खाएगा, हम खाएंगे भी, हमारी माता राम तो वैसे खाने को पड़ी है। बताओ क्या रखो, नहीं कोई मना कर रहा है तुमको? मना किया है सर, 5 मिनट चला सर, 5 मिनट चला सर, सिलेंडर बोलो 5 मिनट। इस पर युवक ने कहा, हम खाएंगे सर, मेरी माँ यहाँ पड़ी है। इस पर संभले मंत्री ने पूछा, क्या तुम्हें किसी ने ऑक्सीजन सिलेंडर देने से मना किया? इस पर वह शख्स बोला, हाँ इनकार किया गया है, सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन दी गई है, अगर ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हो पा रहा है तो अस्पताल मना कर दे।